थोड़ा सा जब मैं आई थी तब इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब मैं आई तो मुझे मतलब अमेजिंग लग रहा है यहाँ का मूवमेंट देखकर। इतना अच्छा शो है और इतना अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंट्री तो इतनी औसम है, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखकर। जो गैलरी बनाई गई है, लेजर शो है, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब गैलरीज है और जो भी आपको आप आके देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि 2 साल के अंदर इतना चेंज हुआ है यहाँ पे। आपको इतना डेवलप लगेगा कि आप लगेंगे अमेजिंग, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया यहाँ पे। लोग इसमें कमियां पेशी निकालते हैं, आप समझने की जरूरत है कमी पेशी इतना अच्छा? नहीं नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2019 में आया था मैं यहाँ पर, उस टाइम जब आया था बिल्कुल कच्चा था, यह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यानी बारिश थी जिस दिन मैं यहाँ आया था, तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई आने में भी, अंदर दिक्कत काफी थी। बट आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, देखते ही सारा माहौल जिस तरह से दिख रहा है, जो एंट्री गेट पे मुझे मिली, जो भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जो लेजर लाइटिंग यहाँ पे हो रही है, जो लेजर शो है, जो गैलरी है, वो देखते ही बनती है। कितना सराहनीय कदम है इंडियन गवर्नमेंट का? बहुत ही सराहनीय कदम है। जलियांवाला बाग जैसी ऐतिहासिक जगह, जहाँ हमारी इतनी आस्था जुड़ी हुई है इस जगह से, जो आज तक बिल्कुल ही यानी कि एक तरह से इग्नोर हुई पड़ी जगह थी, इग्नोर थी वो जगह, उसको इतना अच्छा रूप देना, बहुत ही अच्छी तरह से ये ऐतिहासिक जगह को जो दिखाया गया है, बनाया गया है, बहुत ही सराहनीय कदम है ये। लोग इसमें कमी पेशी निकालते समझते हैं, कमी पेशी नहीं, कमी नहीं है, इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था ये। अगर इसको हमें प्रिजर्व करना है फ्यूचर के लिए, तो बहुत जरूरी है इसको मेंटेन करना। मैंने यहाँ पे लाइट एंड शो देखा, बहुत अच्छा था। यहाँ हिस्ट्री की बुक में ये नहीं मिलता है, देखा कौन कौन शहीद हुए, कैसे हुए, अंग्रेजों ने कैसे उन्हें मारा, सबको देखना चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करूँगा और स्कूल्स को ट्रिप लेनी चाहिए यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा।